नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। प्रियंका और राहुल का लखनऊ में रोड शो के दौरान भव्य स्वागत। लोकसभा में अंतरिम बजट पारित। संसदीय समिति ने ट्विटर के वैश्विक सीईओ को दोबारा समन भेजा। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने दिया ऑडियो की जांच का आदेश। दिल्ली में वकीलों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को। मानहानि मामले में दो गवाहों ने विवेक डोभाल के पक्ष में बयान दर्ज कराए। झारखंड के खाद्य व आपूर्ति मंत्री के अमित शाह को लिखे पत्र से भाजपा मुश्किल में। स्पाइस जेट का मुनाफा 77% गिरा। भूमि घोटाला में ईडी की पूछताछ के लिए जयपुर पहुंचे वाड्रा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने पेश की नई बाल बीमा योजना। केरल हत्या मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर। कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस का लोस से बहिर्गमन। 3 सप्ताह बाद बड़े पेट्रोल के दाम, डीजल भी महंगा हुआ। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बंद से आम जनजीवन प्रभावित। आंध्र के मुख्यमंत्री का विशेष दर्जे के लिए दिल्ली में अनशन शुरू।